अरे यार गाड़ी भिड़ गई। हालत देखो एकदम, मतलब सिंगल बंदा नहीं निकल सकता भाई यहाँ से। ये देखो बाइक हो चाहे गाड़ी हो। तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। मैं सुबह पहले हो गया हूँ, नहा धो के रेडी, क्योंकि मैं जा रहा हूँ बाजार। बाजार जाने का कारण ये है कि आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले मैं ये पैंट लेके आया था, लेकिन अभी तक मैंने इसे पहनी नहीं है क्योंकि इसकी फिटिंग थोड़ी लूज है। तो इसको थोड़ा नीचे से कटवाना होगा और इसकी थोड़ी सी फिटिंग चेंज करवानी होगी। चलो चलते हैं बाजार इसकी फिटिंग चेंज करवाने। तो गाइस फिटिंग हो गई है, पैंट के फिटिंग करा के वापस ले आए हैं। हमारे साथ जुल्फिकार भी गया था, तो अभी घर आते ही मम्मी ने बना रखा है खाना। तो चलो खाना खाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे कहाँ जाते हैं। तो आज खाने में है रोटी और करुंदों की सब्जी। ये थोड़ी खट्टी खट्टी सब्जी होती है, खट्टी मीठी सी, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। चलो खाना वाला तो हो गया है। अभी हमारे बाहर से, घर के बाहर से बहुत तेज तेज आवाज आ रही है माइक की। मुझे तो पता है वो किस चीज की आ रही है, लेकिन आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि वो आवाज किस चीज की है। और बाहर बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है, तो वो भीड़ भी आपको दिखाते हैं। अगर वहां ज्यादा आवाज आई तो मैं वहां सिर्फ वीडियो शूट करूंगा, घर पे आके आपको बताऊंगा कि वो किस चीज की आवाज है। ये देखो गाड़ियों की भीड़ यहीं से चालू हो गई है। यहाँ पर आपने बहुत बार व्लॉग में देखा होगा कि खाली रहता है, लेकिन आज देखो कितनी सारी गाड़ियां हैं यहाँ पर। ये देखो सभी लोग बैग ले लेके जा रहे हैं। आपको यहाँ ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जिसके हाथ में बैग ना हो, सभी के हाथ में आपको बैग दिखाई देंगे। और ये भीड़ देखो, जहाँ तक देखोगे आगे जाम ही जाम मिलेगा। ये देखो बाइक हो चाहे गाड़ी हो, आपको जहाँ तक, ये सामने रानी सती मंदिर है। ये ऐसे नहीं है कि ये गाड़ियाँ किसी भी मंदिर में दर्शन करने वालों की नहीं है। हालत देखो एकदम, मतलब सिंगल बंदा नहीं निकल सकता भाई यहाँ से। ये देखो जाम देखो, बिल्कुल मतलब चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, चारों तरफ जहाँ तक देखोगे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ है। बस लगी यार पैर के, बहुत खतरनाक वाली। अरे यार गाड़ी भिड़ गई। और ये है सामने वाली मोतीलाल कॉलेज, और वो आज और कहीं से नहीं, बस यहीं से आ रही थी। और वो सारी भीड़ भी और कहीं नहीं जा रही है, सिर्फ इसी कॉलेज में जा रही है। ये देख लो इसी कॉलेज में जा रही है और कहीं नहीं जा रही है सारी भीड़। तो चलो मैं आपको वापस घर चल के बताता हूँ कि ये सारी भीड़ यहाँ आई क्यों है और ये कौन है। तो मैं आ गया हूँ वापस घर, और अब मैं आपको बताता हूँ कि वो भीड़ किसकी थी। वो भीड़ थी सरकारी कर्मचारियों की, जैसे कि गवर्नमेंट टीचर्स हो, नगर पालिका में काम करने वाले हो, जो भी सरकारी डिपार्टमेंट है उन सभी की थी। क्योंकि कल है हमारे इलेक्शन, तो सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की ड्यूटी लगा दी है इलेक्शन में, और उनको आज यहाँ से पूरे झुंझुनू जिले की, जो हमारा जिला है उसमें पूरे में जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, हर गाँव की ड्यूटी अलग अलग यहीं से दी जाएगी। और यहीं से सारी ईवीएम मशीन्स जाएंगी, जो हमारी मोतीलाल कॉलेज है उसी से सारे जिले में ईवीएम मशीन जाएंगी। और वो ईवीएम मशीन कल शाम को 6 बजे चुनाव होने के बाद में वापस भी इसी कॉलेज में आएंगी। और उसके बाद में 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट भी यहीं से सुनाया जाएगा, सारी काउंटिंग यहीं होगी। मतलब पूरे झुंझुनू जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं, तो 7ों की गिनती यहीं पर होगी और यहीं से परिणाम घोषित किया जाएगा 3 तारीख को। मैं आपको ना भी दिखाता तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर ये इतनी कोई जरूरी काम बात भी नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि क्यों ना मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि हम तो हर बार ही देखते हैं जो अगर किसी भी चीज़ का इलेक्शन हो तो यहाँ भीड़ हो जाती है। तो मैंने सोचा कि सबको दिखाते हैं कि यहाँ कितनी भीड़ होती है और वो सारी ईवीएम मशीन कहाँ जाती हैं, कहाँ से गिनती होती है, बहुत से लोगों को नहीं पता। तो हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक पॉइंट होता है मेन जिले में, जहाँ पर सारी ईवीएम मशीन जहाँ से जाती है वहीं वापस आती है और वहीं से गिनती होती है। तो हमारे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में मोतीलाल कॉलेज वो पॉइंट है जहाँ से ईवीएम मशीन जाती है और वापस आती है। तो मेरा ये वीडियो जब तक आएगा, मतलब कल आएगा और कल इलेक्शन है, तो अगर आप 6 बजे से पहले मेरा वीडियो देख लें और आप इलेक्शन में वोट ना देकर आएं तो जरूर देकर आएं, क्योंकि ये हमारा अधिकार है और हमें वोट देना। और 3 दिन से खांसी आ गई, ऐसी हालत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ज्ञान तो आप लोगों को दे रहा हूँ कि वोट दे के आना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि रात को, मुझे 2 दिन हो गए रात को मेरे को बुखार आ जाती है। मैं 10 बजे
के लगभग वीडियो एंड करता हूँ, और मेरे को वीडियो एडिट करते करते और वो 10-11 GB की हो जाती है, तो उसे अपलोड करते करते मुझे रात के 12 या 1 बज जाते हैं, और उस टाइम तक मेरी हालत ये रहती है कि मुझे हल्की हल्की बुखार हो जाती है। अभी मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ी देर सो जाना चाहिए, 1 बज गया है, सो जाते हैं, फिर देखते हैं शाम को किधर चलते हैं, कहाँ घूम के आते हैं, आपको घुमा के लाएंगे। तो शाम के बज गए हैं 5 और हम हैं तैयार बाहर जाने के लिए, साथ में हमारी स्कूटी भी तैयार है बाहर जाने के लिए। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं, तो हमारे मामा श्री का आया था हमारे पास कॉल कि उनके नए ट्रैक्टर की नंबर प्लेट और RC लेके आनी है, तो हम जा रहे हैं एजेंसी में, तो चलो चलते हैं। तो RC और नंबर प्लेट मिल गई है, तो अभी चलते हैं वापस घर। तो RC और नंबर प्लेट लेकर हम आ गए हैं वापस घर, लेकिन अभी हमें वापस बाहर जाना होगा क्योंकि हमें निकलवा के लाने हैं ATM से पैसे। कल है मतदान, तो हो सकता है ATM में पैसे हो या ना हो, चाहिए तो कल है, लेकिन आज ही निकलवा के ले आते हैं। चलो चलते हैं वापिस बाहर, ये तो हमारा दायित्व बनता है कि हम घर से बाहर जाए। तो ये उठाया हमने हमारे ATM का बैग, और ये रही हमारी हायाबुसा यानी कि हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटी की चाबी। हेलो, ATM आ गए, ATM खाली भी है, तो अंदर चलते हैं। पैसा ही पैसा। तो भाई हमने पैसे तो निकलवा लिए हैं, अभी काफी दिन से मेरी आलू की टिक्किया खाने का मन कर रहा था, तो आ गए आलू की टिक्किया खाने। आज रात के बज गए 9:30, और आज के व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे खत्म। मुझे पता है आज वाले व्लॉग में कुछ खास नहीं था, लेकिन गाइस सच्ची बताऊं तो मुझे बहुत तेज जुखाम लगी हुई है, और मैं दिन में सो गया था जुखाम के कारण, और सुबह में मैं लेट उठा, तो इतना कुछ खास नहीं था व्लॉग में। थोड़ा मुझे टाइम लगेगा ठीक होने में, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छी अच्छी चीजें दिखाने की। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, बाय।